नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जिन कार सेवकों ने लाठियां खाई और जेल गए, ऐसे सैकड़ों राम भक्तों को यूपी के ब्राह्मण समाज ने सम्मानित करने का फैसला लिया है। ब्राह्मण समाज के संस्थापक पंडित राजा राम मिश्रा ने बताया कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जेल गए राम भक्तों को श्री राम जन्मभूमि सत्याग्रही सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि अयोध्या पीठ के महाराज डॉक्टर राम विलास वेदांति होंगे, जो कि पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। ब्राह्मण समाज ने शाहजहांपुर सहित आसपास जिलों के 500 राम भक्तों को सम्मानित करने का फैसला किया है। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश संगठन के संस्थापक पंडित राजा राम मिश्रा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जिन राम भक्तों ने लाठियां खाई और जेल गए थे, ऐसे सत्याग्रही कार सेवकों को सम्मानित करने का काम ब्राह्मण समाज करेगा। उन्होंने बताया कि इस सम्मान समारोह का आयोजन 18 सितंबर को शाहजहांपुर जिले में स्थित भगवान परशुराम धाम पर किया जाएगा। ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश संगठन के प्रदेश महामंत्री हरिशरण वाजपेयी ने बताया कि ब्राह्मण समाज के इस सम्मान समारोह में शाहजहांपुर सहित आसपास जिलों के लगभग 500 राम भक्तों को सम्मानित किया जाएगा। ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय पाठक ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में सहभागिता करने वाले शाहजहांपुर के विभिन्न जाति वर्गों के लोगों को चिन्हित कर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज सदैव हुई सनातन धर्म को गौरवान्वित करने के लिए कार्य करता रहा है। ब्राह्मण समाज द्वारा शाहजहांपुर में आयोजित किए गए इस सम्मान समारोह में अयोध्या के डॉक्टर रामविलास वेदांति महाराज मुख्य अतिथि होंगे। उन्हीं के द्वारा सभी राम भक्तों को सम्मानित किया जाएगा। जीवन 24 के लिए शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। हमारे संस्थापक बाबूजी के उससे मनाया जा रहा है, क्योंकि वो भी इस कार्यक्रम में जेल गए थे, तो ये प्रेरणा निकल के आई कि राम मंदिर अब बनने जा रहा है कि बन ही रहा है। तो इसमें जो लोग गए, जिन्होंने लाठियां खाई, गोली खाई, जेल गए, तो उनको एक सम्मान किया जाए। अभी तक उनका कोई भी सम्मान नहीं किया गया था, इसलिए ये बहुत ही बड़ा सम्मान, जिसमें कि हमारे कई जनपदों से लोग आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो सहयोग रहा वो शाहजहांपुर ज़िले का रहा। शाहजहांपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा लोग जेल गए, तो ये विशेष प्रयास किया गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से भी किया गया कि ये इसको सम्मान दिया जाए। तो ये बृहद सम्मान व्यवस्था की गई है 18 तारीख को। इसमें अयोध्या के भी लोग हैं, लखीमपुर के भी हैं, शाहजहांपुर के बृहद स्तर पर हैं। लगभग 500 से ज़्यादा लोगों का सम्मान किया जा रहा है। ये कार्यक्रम हमारे आदरणीय बाबूजी की प्रेरणा से हुआ है और ये भव्य कार्यक्रम है, जो एक समाज में राम मंदिर आंदोलन के जो लोग हैं, अब तो बहुत बुजुर्ग भी हो गए, उनको एक नई दिशा जाएगी कि ये सर्व समाज के लिए कार्यक्रम बृहद स्तर पर किया गया। ऐसे जाएगा अयोध्या। लंबे समय में समाज में चर्चा चल रही थी कि जिन्होंने अपने आंदोलन के द्वारा इस हिंदू समाज को जगाया, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो विवादित ढांचा ढाया गया और पूरे देश में जो है राम भक्तों के समर्थन की सरकार बनी और भव्य राम मंदिर भी बन रहा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी हमारे पक्ष में आ गया, तो उनके सम्मान के लिए जो है कुछ न कुछ किया जाए, ऐसी चर्चाएँ समाज में चलती रहती थी। ब्राह्मण समाज ने इस विषय में गहन चिंतन करके निर्णय लिया है कि हम अपना पहला कार्यक्रम शाहजहांपुर जनपद में राम भक्तों को चिन्हित कर उनको सम्मानित करने का करने जा रहे हैं, जिसमें एक प्रशस्ति पत्र जो है, सम्मान पत्र, जिसमें उनका नाम पता सब लिखा होगा और भगवान राम का जो भव्य मंदिर बन रहा है उसका एक चित्र भगवान राम का फोटो उसमें लगा हुआ है, भगवान राम का फोटो, उसको और एक साल सम्मान स्वरूप दे रहे हैं। जैसा कि अभी आदरणीय बाबू जी ने कहा है कि किसी भी काम को जो ये लोग करते हैं, स्वतंत्र आंदोलन में जैसे काम हुआ या राम भक्तों ने जो काम किया, वो किसी सम्मान की भूख में काम नहीं करते हैं, लेकिन समाज का ये दायित्व बनता है कि ऐसे कार्यों का निरंतर सम्मान हो, ताकि समाज में ऐसे कार्यों के प्रति उत्साह बना रहे और लोग उनसे प्रेरणा लें। तो हम लोगों को ये आशा है कि इस कार्यक्रम से समाज में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और राम भक्तों के इतिहास को याद करके हमारा समाज उसमें प्रेरणा देगा,
ताकि भविष्य में भी अगर इस तरह का कोई संकट हमारे सनातन धर्म पे आता है तो हम सब जो हैं पूरे तन मन धन के साथ पूर्ण समर्पण के लिए पूरा समाज इसके लिए तैयार है। तो इस कार्यक्रम की श्रृंखला का उद्देश्य इतना ही है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाए कि सनातन धर्म को सर्वोच्च शिखर तक पहुँचाने के लिए हम हमेशा तन मन धन और मन से समर्पित रहेंगे। ऐसे कितने कार सेवक हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा और किन किन जिलों से आएंगे वो? लगभग शाहजहांपुर में हमने 500 कार सेवकों को चयनित किया है। इसके अलावा लखीमपुर जनपद से भी कुछ कार सेवकों को हमने निमंत्रण भेजा है, भदोही जनपद के कुछ कार सेवकों को निमंत्रण भेजा है। अयोध्या से एक परिवार आ रहा है, जैसे अभी बाबू जी ने कोठारी बंधुओं की चर्चा की थी, उन्हीं के साथ एक वासुदेव गुप्ता जी भी वहाँ पर जो है बलिदान हो गए थे। तो वासुदेव गुप्ता जी के परिवार को भी अयोध्या से हमने बुलाया है, उनको भी हम यहाँ बुलाकर सम्मानित करेंगे। इस वक्त हम शाहजहांपुर ज़्यादा केंद्रित रहे हैं, इसलिए हम शाहजहांपुर के विषय में ही ज़्यादा चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से पूरे देश में और उत्तर प्रदेश के तो लगभग सभी जनपदों में सारी की सारी जनता सड़कों पर निकल चुकी थी। कुछ लोग जेल गए, कुछ लोग वहीं पर निरुद्ध कर दिए।